इतना पढ़ो कि लोग पागल कहने लगे, क्योंकि पढ़ाई में पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जिस जिस पर इस जग ने ऐसा है उसी ने इतिहास रचा है। आज पागल बनकर पढ़ो, पागलों की तरह मेहनत करो, वरना कंपटीशन इतना खतरनाक है कि पहचान बनाने का मौका तो क्या, पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलेगी। एक छोटी सी कहानी पागल और जिद्दी आईएएस अरुणा एम की। इनके पिता ने अपने 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत सारे कर्ज ले लिए। वो चाहते थे कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर बने, किसी के पैरों के सामने उन्हें झुकना न पड़े, सिविल सेवा में अपना योगदान दें। लेकिन उनकी बेटी चाहती थी मात्र 10-15 हज़ार की सरकारी नौकरी। पिता ने इतना कर्ज लिया था कि उसके लिए इसे चुका पाना असंभव लगा और उसने आत्महत्या कर ली। फिर 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की बेटी जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी, उसने कसम खाई कि अब मैं अपने पिता का सपना पूरा करूंगी। उसने लगातार 5 साल UPSC की परीक्षा दी और वो 5 बार फेल हो गई। अब एक ही चांस बचा था, क्योंकि UPSC सिर्फ 6 मौके देती है। उसने आखिरी बार पूरी जान लगाकर पागलों की तरह पढ़ाई की और आखिरी चाबी ने उसके लिए सफलता का ताला खोल दिया। अरुणा एम IAS बन गई। इसलिए तो कहते हैं इतिहास अंतिम सांस तक करने चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी आपकी सफलता का ताला खोल सकती है। काम करो ऐसा कि नाम हो जाए और नाम बनाओ ऐसा कि सुनते ही काम हो जाए। शुरुआत में किताबों से दिल लगाने में दिक्कत होगी, लेकिन प्रयास पागलपन तक करो, खुद किताबें तुमसे इतना दिल लगा बैठेगी। पागल लोग मैदान तब तक नहीं छोड़ते जब तक वे कामयाब न हो जाएं। पागलपन दिखाओ तो सही, सफलता न मिले तो कहना। पागलपन नाम है उस हौसले का जिसमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का जुनून हो। पागलों की तरह मेहनत करने वालों को दुनिया पागल तो कहती है, लेकिन पूरी दुनिया उसी पागल को फॉलो भी करती है।